हेलो वीवर्स, इट्स मी कुलसुम अहमद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इलास्टिसिटी है क्या। तो इलास्टिसिटी इज अ जनरल कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई द रिस्पांस ऑफ वन वेरिएबल व्हेन अनदर वेरिएबल चेंजेस। तो हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास आइटम्स हैं, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। जैसे कि आप बेसिक डायग्राम को सोचें जो हम ड्रॉ करते हैं, तो एक साइड पे हम प्राइस को रखते हैं वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को रखते हैं। ठीक है, अगर प्राइस चेंज होती है तो हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांड को फॉल करना है, गिरना है। लेकिन इलास्टिसिटी हम ये देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स होगा, ज़्यादा रिस्पांस होगा, कम होगा या बराबर होगा, कितना रिस्पांस होगा। तो इस वजह से हम लोग इलास्टिसिटी में इस बात को हम जांचते हैं कि एक वेरिएबल जब चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल कैसे बिहेव करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमें सीधा सा है कि प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि वो कितना डिक्रीज़ होती है। क्या वो 10% अगर प्राइस को हम 10% बढ़ाएं तो क्या इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो हमें ये शो करती है कि डिमांड जो है वो कैसे बिहेव करने लगी है, गिरेगी पर कितना गिरेगी, 10% उससे ज़्यादा, उससे कम या उसके बराबर। तो इस चीज़ को हमने समझना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं इलास्टिसिटी की। एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक, एक होती है यूनिटरी इलास्टिक। अब इलास्टिक क्या है? इलास्टिक ये होती है कि जब हमारी कीमत बढ़ी या कम हुई, चाहे उसके साथ जो भी हो, अगर कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। लेकिन इलास्टिसिटी में हमने ये देखना है कि ज़्यादा रिस्पांस होगा क्वांटिटी डिमांड का कीमत के हिसाब से। अगर कीमत 2% बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड को 4% कम होना चाहिए, यानी कि उसका रिस्पांस ग्रेटर होना चाहिए। फिर आता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक वो सिचुएशन होती है कि जब कीमत बढ़ी या कम हुई, उसके रिस्पांस में क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो बहुत कम होगा। मींस के इनइलास्टिक में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे हमारे लिए खाना, रिहाइश, बिजली के बिल, यूटिलिटी, दूसरे बिल, टेलीफोन वगैरह के, ये सब क्या कुछ क्या है, हमारे लिए लाजमी है। अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो हम इसकी कंजम्पशन या डिमांड जो है वो कम कर लेते हैं, पर बहुत कम कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि हमारा रिस्पांस इक्वल होगा। अगर कीमत 2% बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड 2% कम हो जाएगी, और अगर कीमत 2% कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड 2% बढ़ जाएगी। मीन्स इक्वल रिस्पांस होगा इसमें यूनिटरी इलास्टिक में। अब हम लोग देखने लगे हैं कि फार्मूला क्या है इलास्टिसिटी का। जैसे हमने पहले कहा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन क्वांटिटी डिमांड में कितने हद तक चेंज आ रहा है और प्राइस उसके साथ कैसे बिहेव कर रही है। अगर आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा तो आपका आंसर इनइलास्टिक होगा। मीन्स अगर आपका आंसर 0.2 आ गया, 0.4 आ गया, 0.6 आ गया, 0.8 आ गया, तो आपने क्या सोचना है कि ये जो आंसर है ये क्या शो कर रहा है, इनइलास्टिक प्रोडक्ट। इनइलास्टिक क्या है? वो जो लाजमी है, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मीन्स जो हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए, जो अशिया हमें दरकार हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, वो सब कुछ इनइलास्टिक में आएगा। अच्छा, अगर रिस्पांस 1 और इन्फिनिटी का हुआ, मींस 1 से लेकर स्टार्ट है और आगे चलता ही जा रहा है, शायद एक 1.6 आ जाए, शायद 1.8 आ जाए, शायद 4.0 आ जाए, शायद 6.9 आ जाए, कुछ भी हो, जो बड़ा होगा रिस्पांस तो वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। इलास्टिक मीन एक वेरिएबल के हिसाब से दूसरे वेरिएबल ने ज़्यादा रिस्पांस शो कर लिया। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी लग्जरी में आती हैं, जैसे हमारे घर के सोफ़े हैं। अगर कीमतें महंगी हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सोफ़े चेंज करें, कर्टन्स हैं हमारे घर के। इसी तरह से आप चाह रहे हो कि आप कोई लग्जरी कार लेना चाह रहे हो, वो एक्सपेंसिव हो गई, तो सही है, आप उसके बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड को विदड्रॉ कर सकते हो, कोई इतनी वो आपके लिए उसके बगैर ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे अगर गाड़ी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको नहीं मिल रही तो ना लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे पास नेगेटिव साइन में आंसर आता है, और वो जो नेगेटिव साइन में आंसर होता है वो हमें यही शो करता है कि प्राइस के साथ इसका रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो इसलिए उससे हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेगेटिव होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास उसका बाकायदा कैलकुलेशन।
तो हमारे पास जो प्राइस है वो है 20.50 और उसके हिसाब से हम डिमांड क्या कर रहे हैं मार्केट में, 9 पिज़्ज़ाज़ हम डिमांड करते हैं। अब क्या होगा कि प्राइस गिर गई, 20.50 से गिर कर 19.50 पे आ गई। जैसे ही प्राइस गिरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो जहाँ पे 9 आइटम्स हम डिमांड कर रहे थे अब हम लोग क्या कितने आइटम्स कर रहे हैं डिमांड, 11 आइटम्स। तो इसको जब हम आंसर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से रिस्पॉन्स है। कीमत का रिस्पॉन्स 1% और क्वांटिटी डिमांड का 2%, इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह से हमारा परसेंटेज वाला फार्मूला है, इसी तरह से हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है जिसमें हम लोग इसी तरह से रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन पी। अब उसी में से हमने यहाँ पे ये चेंज आएगा कि हमने देखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे कैलकुलेट होगा। वो इस तरह से होगा, चेंज इन क्वांटिटीज़ मीन क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 डिवाइडेड बाई क्वान्टिटीज़ का एवरेज। एवरेज क्या है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस करके 2 पे जब डिवाइड कर लेते हैं तो वो हमारे पास एवरेज आ जाता है। अच्छा, इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हमने कैसे करना है, चेंज इन प्राइसेस मीन P2 माइनस P1 और प्राइसेस का एवरेज मीन प्लस P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज निकालने का ये फ़ायदा होता है कि हमने पहले प्राइस को भी कंसीडर किया और दूसरी प्राइस को भी कंसीडर किया, दोनों प्राइसेस उसमें शामिल हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने पहले आपको वर्बली एक्सप्लेन किया वही रिटर्न में यहाँ पर लिखा हुआ है, जे परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100। ये हमारा परसेंट फार्मूला है। और परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड का फार्मूला क्या होगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 इंटू 100। तो ये हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आ रही है, उस एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास दो प्राइसेस हैं। जब हमारे पास प्राइस, हमने ए पॉइंट से बी की तरफ मूव करना है, तो ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या था, हमारी प्राइस जो थी वो 2 थी और हमारी क्वान्टिटी कितनी थी, 10 थी। फिर क्या हुआ, कीमत बढ़ी, 2 से बढ़कर 3 पे चली गई, लेकिन क्वान्टिटीज़ में कितना चेंज आया, ज़्यादा चेंज आया। यस, प्राइसेस में जो चेंज है लेस देन डबल है, मीन को 2 का डबल 4 होता है, तो 4 से कम है, और क्वांटिटीज में जो चेंज है वो डबल है। तो अब आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से होगा। अब इसको हमने फार्मूला में पुट किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन पी। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन पी का फार्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100। अब सारा डाटा हमने इसमें डाला और बाय द एंड ऑफ टाइम हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया इक्वल टू 1। अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है, दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज़ का एवरेज इनटू 100 और दोनों प्राइसेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्राइसेस का एवरेज इनटू 100। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें सारा स्टफ हमने डाला और बाय द एंड ऑफ टाइम हमारे पास आंसर आ गया 1.67। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको इंटरप्रेट करने का क्या तरीका है, जब हमारे पास इलास्टिसिटी 0.2 होती है, इट मीन्स अ 10% इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू अ 2% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, तो इट मीन्स के अनइलास्टिक होगा, मीन्स जो प्राइसेस में है उसमें रिस्पांस बड़ा है लेकिन जो क्वांटिटीज़ है उसमें रिस्पांस कम है। तो इट मीन्स कि ये वो चीज़ है जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, तो इसको हम इसके ऊपर हम रिस्पांस नहीं दे सकते ज़्यादा रिस्पांस, तो ये हमारे लिए इनइलास्टिक प्रोडक्ट होगी, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें। अब इसी तरह से जब हमारा आंसर 2 आ जाए, मीन्स मोर देन 1 आ जाए, तो उसका मतलब है अ 10% इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू अ 20% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जो रिस्पांस है वो कितना है, 10% इंक्रीज था प्राइस में और रिस्पांस कितना है, उससे ज़्यादा है, तो ये हो गया इलास्टिक। तो इस तरह से हमारे पास आंसर्स आ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डायग्राम है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पर स्लोप इक्वल टू 1 होता है, उससे ऊपर वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, मीन हम इलास्टिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रखते हैं।
और नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हमारा इनएलास्टिक आंसर आता है, मींस पॉइंट्स में आएगा 0.2, 0.4, 0.8, 0.9, वो सारा कुछ स्लोप वाली मिड लाइन से नीचे होगा। तो इस तरह से हम कोई भी डायग्राम है उसके तीन कैटेगरीज में हम उसको जज कर सकते हैं। हमेशा अपर पोर्शन में आंसर्स बिगर आएंगे और वो इलास्टिक होगा, और लोअर पोर्शन में आंसर्स लेस आएंगे और वो इनइलास्टिक होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इंसुलिन, तो इंसुलिन आपको पता है कि बेसिक नेसेसिटी है, जिसको भी डायबिटीज़ है वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो अगर प्राइस में चेंज आ रहा है 10%, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? नो रिस्पॉन्स, वी आर नॉट गोइंग टू लीव दैट। सो इसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हम देखते हैं बेसिक टेलीफोन सर्विस। डेफिनेटली टेलीफोन के बाहर भी गुजारा नहीं हो सकता। अगर उसका प्लस 10% इंक्रीज़ हो जाएगी अगर प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसमें बहुत लिटिल चेंज आएगा, इतना लिटिल आएगा कि हमारा आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। तो अगर आंसर पॉइंट्स में है तो हम इनइलास्टिक प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। इसी तरह से बीफ, अगर इसमें 10% इंक्रीज़ होती है प्राइस, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो डिक्रीज़ होगा वो भी 10% होगा। मींस इफ़ प्राइस इज़ इंक्रीजिंग बाय 10%, क्वांटिटी डिमांड इज़ डिक्रीजिंग बाय 10%। इक्वल रिस्पॉन्स मीन यूनिटी प्रोडक्ट। इसी तरह से बनाना, अगर हम लोग एक आम फैमिली के हिसाब से सोचें तो इट्स अ लग्जरी, एक लग्जरी है, उसके बगैर गुजारा हो सकता है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर प्राइस में 10% इजाफा होगा तो हम उसकी जो डिमांड है वो मोर देन 10%, मींस यहाँ पर हमने 30% तक उसको डिक्रीज़ कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है, और ये हमारे पास इलास्टिक की एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन सेम सिचुएशन, कुछ हमारे पास इलास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास इनइलास्टिक हैं। अब इलास्टिक में क्या क्या चीज़ें हैं? डिटर्जेंट है, पेप्सी है, कोक है, ए ट्रैवल है, टूरिज्म है, ग्राउंड बीफ है, ये सारी हमारी इलास्टिक हो गई। रिक्रिएशन, ये भी इलास्टिक हो गई। अब इनइलास्टिक में हमारे पास क्या है? क्लॉथिंग है, फूड है, इम्पोर्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, मिल्क है, सिगरेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, बियर है, एग्स हैं, गैसोलीन है एंड ऑयल है। तो जो चीज़ें जिसके बगैर हमारी सर्वाइवल नहीं हो सकती वो सारी इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो चीज़ें जिनकी हम डिमांड को विड्रॉ कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? वो इलास्टिक होगा। तो इस तरह से इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।